नमस्कार, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको LLB सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में जैसे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था, कंपनी के विकास के बारे में देखा था, कंपनी अधिनियम 1956 जो पुराना एक्ट था उसके बारे में देखा, फिर नया अधिनियम बना कंपनी अधिनियम 2013, उसके बारे में हमने देखा, उसकी विशेषताएँ देखी। आज हम देखेंगे कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कंपनी को 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, निगमन के आधार पर कंपनी, दायित्व के आधार पर कंपनी और अन्य प्रकार की कंपनियां। अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 में ये कहा गया है कि कंपनी किसी वैध उद्देश्य के लिए बनाई जा सकती है। तो कंपनियों का जब निर्माण होता है तो पहले प्रकार का हम देख रहे हैं निगमन के आधार पर कंपनी। निगमन के आधार पर 2 प्रकार की कंपनियां बनाई गई हैं, एक वैधानिक और एक पंजीकृत कंपनी। वैधानिक कंपनी, लीगल कंपनी, ये संसद यानी कि पार्लियामेंट, ये संसद या राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। ऐसी कंपनियों को पब्लिक कंपनी भी कहा जा सकता है, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक आदि। ये सभी कंपनियां वैधानिक कंपनियां हैं और ये संसद में राज्य विधानमंडल के द्वारा ही अधिनियम गठित करके पास करके इनको बनाया गया है। दूसरे प्रकार के निगमन के आधार पर कंपनी है पंजीकृत कंपनी, जैसे कि इसके नाम से लगता है पंजीकृत, रजिस्टर्ड, तो ये रजिस्टर्ड हो रखी है। कंपनी अधिनियम में या पिछले कंपनी कानून के तहत इनको शामिल किया गया, ऐसी कंपनियों को जिनको 2013 या पहले कंपनी के कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि ये अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत से मतलब है कि इस अधिनियम में जो कंपनी है उनको अगर पंजीकरण कराना है, रजिस्टर्ड कराना है, तो उनको कुछ चरण से गुजरना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। उन नियमों का पालन करते हुए कोई कंपनी है जब पंजीकृत करवाई जाती है तो उनको कहते हैं पंजीकृत कंपनी, इनको रजिस्टर्ड कंपनियाँ कहते हैं। आगे दूसरी प्रकार की कंपनियां हैं दायित्व के आधार पर कंपनी। दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां हैं, असीमित कंपनी यानी कि अनलिमिटेड कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी यानी कि लिमिटेड बाय गारंटी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स। पहले हम देखते हैं असीमित कंपनी। इस अधिनियम के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया असीमित कंपनियों को। असीमित कंपनियां वह हैं जिनमें सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि इसके नाम से लगता है असीमित, तो इसकी कोई दायित्व की सीमा नहीं है। इस प्रकार की कंपनी में सदस्य कंपनी में अपने संबंधित हितों के अनुपात में कंपनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सार्वजनिक या निजी कंपनी भी हो सकती है क्योंकि ये असीमित है। दूसरा इसमें प्रकार है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1 सेक्शन 2 सब प्लस 21 में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा दी गई है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां वह हैं जिनको सदस्यों का दायित्व ऐसी धनराशि तक सीमित रहता है जो उसके समापन की दशा में कंपनी की आस्तियों में अपना भाग देने का वचन देती है, इसीलिए इनका नाम गारंटी द्वारा सीमित है, कि ये गारंटी दे रही हैं कि इतने इनके अंश हैं, इतने इनके सीमित दायित्व हैं, तो उतने तक वो उनको पे करेंगी। तीसरे प्रकार की कंपनी है इसमें अंशों द्वारा सीमित कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। अधिनियम की धारा 2 उपधारा 22 में सेक्शन 2 सब प्लस 22 में अंशों द्वारा सीमित कंपनी के बारे में बता रखा है, और ये ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक यदि कोई हो तो सीमित होता है जो उसके द्वारा धारित अंशों तक सीमित है। सीमित कंपनी, इसीलिए इसका नाम अंशों द्वारा सीमित कंपनी है कि ये फिक्स है, सीमित है, इनके जितने शेयर हैं उतने तक ही कार्य करेंगे, उससे आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे। फिर आगे हम देख रहे हैं तीसरे प्रकार की कंपनी है कंपनी के अन्य प्रकार, जिनमें सबसे पहली कंपनी है प्राइवेट कंपनी। अधिनियम की धारा 2 उपधारा 68 सेक्शन 2 सब प्लस 68 में प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रखा है। प्राइवेट कंपनी से मतलब जिसकी 1,00,000 रुपए की न्यूनतम पूंजी या उच्चतर समाधत पूंजी हो, जो नियत की जाए, जो अपने अंशों के अंतरण के अधिकार को रोकती हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्राइवेट होती हैं, ये जितना इनकी पूंजी होती है ये उतने तक ही सीमित रहती है, उससे आगे बढ़कर काम नहीं करती। दूसरे प्रकार की कंपनी है पब्लिक कंपनी, जैसे कि नाम से ही लगता है इसको, पब्लिक यानी कि जनता
के लिए होती हैं, ये प्राइवेट कंपनियां नहीं होती। धारा 2 उपधारा 71 सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी के बारे में बता रखा है, ये वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिनकी 5 लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी या ऐसी उच्चतर समाधत पूंजी जो नियत की जाए, यानी कि इनकी कम से कम 5 लाख रुपए तक की न्यूनतम पूंजी होती है। तीसरी प्रकार की इसमें कंपनी है एक व्यक्ति कंपनी, जैसे कि इसके नाम से लगता है एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन, वन मैन पर कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लास 62 धारा 2 की उपधारा 65 में एक व्यक्ति कंपनी के बारे में प्रावधान किया गया है। ये ऐसी कंपनी है जिसके सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है, इसे सांविधिक मान्यता प्रदान की गई है, इसमें केवल एकमात्र सदस्य होता है तथा वही कंपनी का संचालन भी करता है, क्योंकि सारा नियंत्रण उस एक व्यक्ति के हाथ में ही होता है, अन्य और कोई व्यक्ति नहीं होता, उसे कहते हैं एक व्यक्ति कंपनी। वही व्यक्ति काम करता है, वही व्यक्ति कंट्रोल रखता है उस पूरी कंपनी को, और वही व्यक्ति अकेले ही उसमें लाभ अर्जित करता है, क्योंकि और कोई व्यक्ति उसमें नहीं होता, इसलिए इसका नाम है एक व्यक्ति कंपनी। आगे है इसमें सहयोजित कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जैसे कि नाम से लगता है सहयोजित, धारा 2 की उपधारा 6 सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में सहयोजित कंपनी का प्रावधान किया गया है। यह कंपनी अन्य कंपनियों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, सहयोजित यानी कि दूसरी बाकी की और कंपनियों में ये हेल्प वगैरह देती हैं, सहयोग देती हैं, इसलिए इसका नाम सहयोजित रखा गया है। आगे है समरूषंगी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अधिनियम की धारा 2 उपधारा 87 में सेक्शन 2 सब क्लास 87 में समरूषंगी कंपनी के बारे में बताया गया है। ये कंपनी निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण करती है, यह कुल अंश पूंजी मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं या फिर अपनी एक या अधिक समरूषंगी कंपनियों के साथ मिलकर करती है, यानी कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो और बाकी सारी कंपनियों के साथ मिलकर अपने कार्य करती हैं। आगे है इसमें सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि नाम से ही लगता है इसमें सरकारी, अधिनियम की धारा 2 उपधारा 45 सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में सरकारी कंपनी के बारे में प्रोविज़न बनाए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें समाधत अंश पूंजी का 51% से कम केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, एक से अधिक राज्य सरकारें तथा भागतः केंद्रीय व भागतः राज्य सरकार, यानी कि कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट धारित किया जाता है, यानी कि इसके कुछ ना कुछ अंश सरकारों के पास होते हैं, इसलिए इन कंपनियों का नाम सरकारी कंपनी होता है। आगे हम देख रहे हैं लिस्टेड कंपनी, यानी कि सूचीबद्ध कंपनी, अधिनियम की धारा 2 उपधारा 52 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी ऐसी कंपनी है जिसको कोई प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उनको कहा गया सूचीबद्ध कंपनी, वहाँ पे उनकी लिस्टेड हो जाती है ऐसी कंपनियाँ, उनको सूचीबद्ध कंपनी कहते हैं। आगे है नियंत्रित कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी, इसी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 46 में सेक्शन 2 सब क्लॉज 46 के अनुसार एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में नियंत्रित कंपनी से ऐसी कंपनियां अभिप्रेत है जिसका ऐसी कंपनी स्वयं की कंपनियां हैं, यानी कि आपस में ये जो कंपनियां हैं कंपनियों के संबंध में नियंत्रित से ऐसी कंपनी है जो कि सबको नियंत्रण करती है, सबके समान समूनंगी होती है, होल्ड जो रखती है उन सबको नियंत्रित कंपनी कहा गया है। आगे हम देख रहे हैं इसमें विदेशी कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी, इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 42 सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 के अंतर्गत जो भारत के बाहर निगमित है यानी कि जो रजिस्टर्ड है, आउटर इंडिया भारत के बाहर, जो भारत में स्वयं या एजेंट द्वारा भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा कारोबार का स्थान है, जो किसी अन्य तरीके से भारत में कारोबार का संचालन करता है, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां वो हैं जो भारत के बाहर निगमित है, जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड होती है वो सभी कंपनियां फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनी कहलाती है, भले वो कारोबार भारत के अंदर करें संचालन करें ठीक है, लेकिन उनका मेन जो उनकी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड वो भारत के बाहर होती है, ऐसी कंपनियों को विदेशी कंपनी कहा जाता है। तो आज हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बताई गई कंपनियों के बारे में देखा है। अगली क्लास में हम इन कंपनियों में महत्वपूर्ण है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, अगली क्लास में हम प्राइवेट और कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में और प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, स्टे सेफ स्टे होम।
आप सब सुरक्षित रहिए।